टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में 5 नवंबर को बोरे में युवती के शव मिलने से मामले में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मृतका दिल्ली की रहने वाली थी, जबकि मृतका की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके खुद के पिता ने की थी। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि हत्यारोपी पिता ने मृतका की हत्या कर उसके शव को गुलावटी क्षेत्र में फेंक दिया था। पुलिस अधिकारियों ने ये भी दावा किया कि हत्यारोपी पिता को मृतका का चाल चलन ठीक नहीं लगता था, जिसके चलते पिता ने ही मृतका की हत्या कर डाली। बता दें कि बीते 5 नवंबर को गुलावटी पुलिस को बोरे में युवती का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मृतका के शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जबकि पुलिस ने सोशल मीडिया की मदद से मृतका के शव की शिनाख्त में भी काफी प्रयास किए। देखिए, इस महीने में 4/5 की रात में एक बोरे में एक अज्ञात लड़की का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। हम लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुपों पर उसकी फोटो प्रसारित की। बाद में दिल्ली से एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि ये लड़की जो है लोगला गांव की रहने वाली है, और उस आधार पर लोगला गांव में जाके पता किया गया, फोटो दिखाई गई, तो लड़की की शिनाख्त रामजी लाल जाटो की बेटी के रूप में हुई। और जब रामजी लाल को उठाया गया तो पता चला कि आपकी लड़की अगर इतने दिनों से गायब है तो आपने अब तक कहीं सूचना क्यों नहीं दी। शक के आधार पर उसे उठाया गया, कड़ाई से पूछताछ की गई, उसने जुर्म स्वीकार किया। बेटी के चाल चलन को लेकर के पिता को आपत्ति थी, इस आधार पर उसके द्वारा बेटी की हत्या कर दी गई और शव को बोरे में रख करके छुपाने के उद्देश्य से दूसरे थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया था। फिलहाल अभियोग का अनावरण हो गया है, अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अंतिम संस्कार किए जाने तक मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। वहीं रविवार को अज्ञात कॉलर द्वारा गुलावटी पुलिस को मृतका का नाम पता बताया गया, जिसके बाद पुलिस ने मृतका के हत्यारोपी पिता को गिरफ्तार करते हुए पूरे मामले का खुलासा कर दिया। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शाकिर मलिक, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।